विभाग की लापरवाही के चलते एक परिवार हुआ बेसहारा। नहर में गिरे शख्स का नहीं मिला कोई सुराग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शारदा नहर के टूटे पुल की वजह से एक साइकिल सवार नहर में गिर गया और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। ऐसा बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव के बीच पुलिस वहां पहुंची पर तलाश के लिए कोई खास मदद नहीं की, बल्कि गोताखोर तक नहीं बुलाए। मदद करने की बजाय तमाशा बनाते रहे। नाराज परिजन ने प्रदर्शन भी किया। नहर में गिरे युवक के परिजनों ने कड़ाके की ठंड में नहर पटरी के किनारे घूम खुद युवक की तलाश में लगे हैं। परिवार वालों का कहना है कि नहर में गिरा पंकज ही था जो परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी बहन भी शादी लायक है। परिवार वाले अब बेटे के मिलने की सारी उम्मीदें खो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी तलाश जारी है। नहर में गिरे दो लोगों में से एक पंकज के परिजनों का आरोप है कि अगर समय से विभाग टूटी पुलिया को सही करा देता तो शायद वह बच जाता। उन्होंने कहा कि प्रशासन से मदद मांगने पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जब साइकिल लेके गवा है तो हम जानते ही नहीं, उसके बाद में यहाँ गाँव बताई नहीं है कि साइकिल ये बताई नहीं साइकिल ले गवा के बाद में जाने हैं तब का बताई नहीं है तब हमका पता चले। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बाराबंकी के नहर विभाग को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के उस आश्वासन की भी चिंता नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंचाई विभाग की नहरों के पुल की मरम्मत कराई जाएगी और ऐसा ना होने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला जहांगीरबाद थाना क्षेत्र के बेरिया के पास से गुजरी शारदा नहर का है, जहाँ का निवासी पंकज साइकिल से रात करीब 8 बजे कटियारा स्थित अपने ननिहाल जाने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वह वहां नहीं पहुंचा। बाद में छानबीन में पता चला कि पंकज नहर में गिर गया। जानकारी के मुताबिक इस नहर में दो लोग गिरे हैं, लेकिन दूसरा कौन है ये साफ नहीं हो सका। ग्रामीणों ने पंकज की तलाश के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन की संवेदनहीनता के आगे वह बेबस हो गए और अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका। 3 दिन के बाद हुआ था, मेरा भाई जा रहा था कटियारे बढ़ते रहा तो नहर पे पांव धरा था, मतलब गिर गए, कम से कम 7 मोड़ते थे वही पुल पर। मृतक के भाई का कहना है कि उसका भाई एक कार्यक्रम के लिए नहर की पुलिया के रास्ते से जा रहा था और तभी वह वहां गिर गया। अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। वह सभी उसी दिन से भाई की तलाश में वहां बैठे हैं। इस टूटी पुलिया से कई मौतें हो चुकी हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी उनका हाल पूछने तक नहीं आया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिया टूटी ना होती और सही समय पर इसकी मरम्मत करा दी गई होती तो शायद उनका भाई बच जाता। वहीं मृतक पंकज के जीजा रामहर्ष ने आरोप लगाया कि उनकी मदद के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया। दरियाबाद शाखा में करीब 70 साल पहले बहुत सारे पुल बने थे। उन सभी पुलों में से ज्यादातर पुल अब अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, इसलिए वह पुल अब क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा है, दरियावा शाखा करीब लगभग 70 वर्ष पूर्व इसमें बहुत सारे पुल बने थे हैं, उस समय तत्समय की ट्रैफिक के हिसाब से, और जो पुल हैं वो अब लगभग आयु पूरी कर चुके हैं, अधिकतर पुल गिर रहे हैं यहाँ, और इसलिए उसकी एक परियोजना बनवा रहा हूँ जिससे कि वो जैसे किसी की पुलिया किसी का विंग टूटी हुई है, किसी की रेलिंग टूटी है, तो सब रेस्टोर हो सके। काफ़ी मात्रा में टूटे हुए हैं। इस पुल में भी पिछले 2 साल पहले इसको जो पुलिया वगैरह का रेलिंग टूटी थी उसको हम लोगों ने बनवाया था, लेकिन आजकल जैसे कटाई के लिए हार्वेस्टर और कंबाइन वगैरह ले जाते हैं, वो मुश्किल से 3 मीटर का पुल था चौड़ा, काफ़ी ट्रैफिक जाता है, कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह ले जाते हैं तो उसके जो रेलिंग होती है वो साइड से उन्होंने टक्कर मार के तोड़ देते हैं। बहुत सारे पुल ऐसे टूटे हुए हैं ज़्यादा चौड़े ना होने के कारण, तो ये भी उसी प्रकार से साइड में टूट गया था, तो इसलिए ज़्यादा हमको बनवा रहा हूँ उनको मैं रेस्टोर करवाने का एक परियोजना तैयार कर रहा हूँ, और इसके लिए हमने कहा है कि जो भी टूटा हुआ है उसको बनवा दे रहा हूँ। रेलिंग टूटी हुई है, गांव वाला कल में गया भी था, गांव वाले बोले कि यहाँ पर कुछ ड्रम वगैरह लगवा दीजिए जिससे कि दूर से दिखाई दे, क्योंकि PWD की रोड काफ़ी चौड़ी है, पुल हमारा 70 साल पहले बना था वो कम चौड़ा था, तो मैंने ये भी कह दिया है कि उसमें ड्रम वगैरह लगा दें।
इन सभी पुलों की मरम्मत के लिए एक परियोजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस पुल पर हादसा हुआ है इसकी भी 2 साल पहले मरम्मत कराई गई थी, लेकिन इस सकरे पुल से काफी ट्रैफिक के निकलने से पुल की रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, इसी वजह से यह हादसा हुआ है। जल्द ही ऐसे सारे पुल की मरम्मत कराई जाएगी। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।